आफिया सदीकी की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग न ला सकीं। अमरीकी सदर को लिखे खत के बाद अब लॉबिंग करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक अमूमी तौर पर मुद्दत पूरी होने पर अमरीकी सदर मुख्तलिफ कैदियों को माफ़ी देता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी खत लिखकर डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई की कोशिशें की। अमरीकी इंतजामिया ने पाकिस्तान को सूरत हाल से आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि अमरीकी जवाब के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली की गई है और अब आफिया सदीकी के लिए अमरीकी ईवानों में लॉबिंग करने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने लॉबिंग के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बना दी। ये कमेटी आफिया की मौफी, रहाई और वतन वापस भेजने के हक में लॉबिंग करेगी। याद रहे कि कुछ रोज कबल अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान वैदत पैटल ने पाकिस्तान की जानिब से लिखे गए खत पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा था कि वो निजी सफारती राबतों पर बात नहीं करेंगे।